राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एमएमएस कांड इस वक्त सुर्खियों में है और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर छात्रावास की एक लड़की ने इन लड़कियों का असली वीडियो क्यों बनाया? इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद क्या था? हालांकि अभी तक की जांच में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मोहाली पुलिस ने वीडियो बनाने वाली एक लड़की और उसके दो अन्य साथी जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल कुछ लड़कियों ने आरोपी छात्रा को बाथरूम के दरवाजे के नीचे से वीडियो बनाते हुए देख लिया था। उन्होंने इस मामले में वार्डन को शिकायत की, फिर आरोपी छात्रा से वार्डन ने पूछताछ की तो छात्रा ने मान लिया कि उसने कुछ वीडियो बनाए हैं। यही नहीं, उसने कुछ वीडियो लोगों को भेजे भी। पूरा मामला शनिवार दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ और देखते ही देखते ये मामला शनिवार रात हंगामे में तब्दील हो गया। करीब 8 लड़कियों ने सुसाइड करने की कोशिश की। जैसे ही मामला सुर्खियों में आया पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। इधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की डीन स्टूडेंट वेलफेयर नीतू रनौत ने बताया कि इस एमएमएस कांड का खुलासा एक कॉल से हुआ है। उन्होंने बताया कि आरोपी छात्रा से जब घटना के बारे में पूछताछ की जा रही थी तो उस वक्त उसके मोबाइल पर लगातार कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। जब हमने छात्रा से कहा कि फ़ोन को स्पीकर ऑन करके बात करे और कॉल करने वाला कोई तीसरा शख्स था। रनौत ने बताया कि हमने छात्रा से कहा कि वह कॉल करने वाले अपने दोस्त से पूछे कि क्या उसके पास कोई वीडियो है, यदि है तो भेजे। छात्रा के ये कहते ही लड़के ने एक असली वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया। छात्रा से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि उसे पता नहीं कि यह वीडियो उसके पास कैसे पहुंचा, उसने सिर्फ अपने दोस्त को भेजे थे। यह भी बताया गया कि छात्रा के मोबाइल से कुछ वीडियोज और फोटोज डिलीट किए गए हैं। बता दें कि शनिवार देर रात से ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड की चर्चा हो रही है और बवाल इस कदर बढ़ गया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 24 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। फिलहाल छात्र छात्राओं ने एक्शन लेने के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन बंद कर दिया है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण है और स्टूडेंट्स का गुस्सा कायम है। टीम लोकल।